तो मैं हूँ काजल। आज मैं बात करती हूँ आपके ओ लेवल जनवरी के जो है रिजल्ट को लेकर, क्योंकि इस जनवरी के एग्ज़ाम के लिए आपने जो है काफ़ी पापड़ बेले हैं। देखिए, मैंने पब्लिक नोटिस जो है ऑन कर रखा है, जो आपका एग्ज़ाम जो है पहले 17 जनवरी को होने वाला था, लेकिन पब्लिक नोटिस यहाँ पर डाला गया था कि आपका एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया कोविड-19 की वजह से। फिर आपके एग्ज़ाम की डेट आई थी थ्योरी एग्ज़ाम की 23 मार्च से लेकर 27 मार्च में तय की गई थी, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 31 मार्च से 3 अप्रैल तक जो है तय किया गया था। तो मैं बात करती हूँ गाइस अब आपके ओ लेवल जनवरी के जो है रिज़ल्ट को लेकर। जी हाँ, मैंने जो है नालिक वालों को मेल भी किया था, जैसे कि आपको पता है इसमें जो है गाइस आपकी 4 वो आए थे, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आपका एप्लीकेशन टूल्स जो आती है, ये 4 आई थी। और अब आपको ये भी पता होगा कि इस साल में जो है 2 बार पेपर होते हैं, एक जनवरी में होता है, एक जुलाई में होता है। तो जुलाई वालों का जो है प्रोसीजर जो है चेंज कर दिया गया है। पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, अब उनके मजे आ गए हैं, जो देंगे अब जो है बिल्कुल CCC की तरह जो है उनका एग्ज़ाम होने वाला है। ये भी बात आपको पता ही होगी, लेकिन आपने तो पहले दिया था जनवरी में, तो आपका जो है इसका रिज़ल्ट मैं बता देती हूँ गाइस। देखिए, अगर मैं बात करूं इसके रिज़ल्ट की, तो मैंने जो है नाइट वालों को मेल किया है, और रिज़ल्ट देखिए यहाँ पे शो होता है। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि यहाँ पर शो होता है अभी जो है रिज़ल्ट नोटिफिकेशन, ये रहा रिज़ल्ट नोटिफिकेशन। तो ये जो है गाइस आपके जून के 2nd वीक में जो है आपका ये रिज़ल्ट जो है आ लेगा। जी हाँ, जून के 2nd वीक तक आपका रिज़ल्ट ये नए यहाँ पे जो है रिज़ल्ट नोटिफिकेशन में जो है शो हो लेगा, क्योंकि अभी जो है जुलाई वालों का एग्ज़ाम थोड़ा पोस्टपोन होने की जो है गारंटी सी बन रही है। तो हो सकता है उनका एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो जाए, तो गाइस थोड़ा वेट कीजिएगा आप। कितने भी नोटिफिकेशन है यहाँ पर आपको जो है शो होते रहेंगे, और यदि आपको हमारे चैनल पर भरोसा है तो आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।